फ्रीडम। अमेरिका बोलते ही दिमाग में अगला वर्ड शायद यही आता है। यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं। लेकिन फ्रीडम हमें हमेशा से हासिल नहीं रही। मैं जब 18 का था तब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर ऑपरेटर का अपना टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया था, लेकिन मुझसे कहा गया कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता। जाहिर था, स्ट्रेटेजिक एयर कमांड में कोई ब्लैक मैन फ्लाई नहीं कर सकता था। अब्राहम लिंकन जानते थे कि कोई कंट्री सही मानों में फ्रीडम की वकालत तभी कर सकती है जब ये उसके सभी सिटीजन्स को हासिल हो। दुनिया भर में फ्रीडम की आवाज बुलंद होती जा रही है। ये बिलीफ दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है कि हर इंसान को सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है। मुझे लगता है एक दिन हम सब आजाद होंगे। क्या है जिससे फ्रीडम के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन मिलती है? इलेक्शन से 5 महीने पहले सबको बता दिया गया कि पुतिन अगले प्रेसिडेंट होंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था। क्या हमें आजादी मिल सकती है हमारे जंजीरों में जकड़े रहने के बावजूद? मेरा माइंड और इमोशंस उस सेल की 4 दीवारी के पार थे। और कब हर कोई आजाद होगा उस जिंदगी को जीने के लिए जो असल में उसकी है? मैं बुर्का पहनना चाहती थी ताकि कोई मुझे बॉय की तरह ना देखे, और तब मुझे महसूस हुआ कि फ्रीडम असल में है क्या। मैं निकला हूं एक सफर पर, उन धागों को ढूंढने जो जोड़ते हैं हमें और हमारे अंदर की साझी इंसानियत को। ये है स्टोरी ऑफ अस। मैं मिलने जा रहा हूं ऐसे शख्स से जो बतौर स्लेव पैदा हुए थे। शिन डोंग ह्यूक ने अपनी जिंदगी एक नॉर्थ कोरियन लेबर कैंप में शुरू की थी। 23 की उम्र तक उनके लिए दुनिया थी तो बस वही थी। सोचता हूं उस इंसान के लिए फ्रीडम के क्या माने होंगे जिसने पहली बार उसे एडल्ट होने पर ही देखा हो। मुझे अपनी स्टोरी सुनाने के लिए शिन अपनी वाइफ लियन के साथ न्यूयॉर्क सिटी में मुझसे मिलते हैं। Nice to meet you. Yes. कैसी हो? Good. So, कितना टाइम हुआ आपकी मैरिज को? 2 साल। 2 साल? Yeah, 2 साल हो गए। Yes. फिर तो काफी वक्त हो गया। Yeah. Both. लंबा भी लगता है और लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। Okay, इन्होंने बचा लिया आपको। अब आप फ्री हैं कितने साल से? 11 साल। 11 साल से? हाँ। आप तो एक स्लेव लेबर कैंप में पैदा हुए थे ना? हाँ। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपको पैदा होना पड़ा वहाँ? मेरे पेरेंट्स कैंप में थे और मैं भी वहीं पैदा हुआ। वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे? हाँ। यूनाइटेड नेशंस का अंदाजा है कि नॉर्थ कोरिया में करीब 1 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। आपने कंट्री के लीडर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला नहीं कि आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा। मुझे जरा उस वक्त की अपनी डेली लाइफ के बारे में बताइए जब आप कैंप में थे। काफी लंबे वक्त तक रहे आप वहाँ। अच्छा, देशी ना देशी भाने। हम सुबह करीब 4 बजे उठते थे, फिर एक सिग्नल जैसा सुनाई देता था जैसे कि बेल या फिर स्पीकर होता था, और फिर हमें पता चल जाता था जैसे अब काम पे जाने का वक्त है हमारा। या तो हम एक कॉर्न राइस की फार्मिंग करनी होती थी या फिर हम कोल माइन में काम किया करते थे। हम में से किसी के कोई भी सपने या फ्यूचर को लेकर उम्मीदें नहीं थी। जो था जैसा था वही काफी नेचुरल सा था। वही पैदा होना, वही जीना, वही मरना। अगर हमसे कोई गलती होती थी या काम ठीक से नहीं होता था तो गार्ड हमें ऑप्शन देता था, या तो भूखे रहो या पिटाई खाओ। तो हमने जो रूल्स लर्न किए उनमें से एक था कि हमें कभी ऐसी कोई चीज नहीं खानी जो हमें नहीं दी गई हो, वरना उसका अंजाम खराब होगा। एक लड़की थी उस वक्त शायद 6 या 7 साल की थी। एक बार उसे खाने की कोई चीज मिली जिसे वो उसी वक्त ना खाकर बाद के लिए बचा कर रखना चाहती थी, तो उसे उसने अपनी पॉकेट में छुपा लिया। गार्ड्स को ये पता चला तो उसने बोला, तूने रूल्स क्यों नहीं फॉलो किए, इसका नतीजा जानती है ना।
उस गार्ड ने उस लड़की को फिर खूब पीटा और जिससे उसकी मौत हो गई। अगले दिन वो लड़की जब क्लास में नहीं दिखी तो गार्ड्स ने उसे लाने के लिए हमें भेजा। जब हम उसके घर पे पहुंचे, she was dead. इतना मारा कि जान चली गई। पीटने से ही उसकी मौत हुई थी ना? आपके पेरेंट्स के साथ? उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। वो मेरी ही तरह प्रिजनर्स थे और कोई सेंस ऑफ फैमिली नहीं था। मेरी पूरी लाइफ में सबसे दर्दनाक मेमोरी मेरी मॉम की और मेरे भाई की रही है। लेकिन मैंने बचपन में ही सीख लिया था कि मुझे गॉड्स को अपने पेरेंट्स के बराबर खबर देनी है कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और मैं उनकी जितनी बातें बताता मेरे लिए वही उतना अच्छा साबित होता। तो एक बार मुझे लगा कि मेरी मॉम और ब्रदर भागने वाले हैं, तो मैंने गार्ड्स को ही जाके बात बता दी। मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि इसका क्या नतीजा होगा। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और मुझे और मेरे फादर को उनके एग्जीक्यूशन को देखने के लिए मजबूर किया गया। पर ऑनेस्टली मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं था। इमोशन नहीं था? नहीं। मुझे लगा कि जो भी हुआ वो उनके गुनाहों की सजा ही थी। वो डिजर्व करते थे। बाद में शिन पार्क नाम के एक और प्रिजनर से अपनी मुलाकात याद करते हैं, जो पूरा नॉर्थ कोरिया और चाइना घूम चुका था। उससे आजाद और खाती पीती जिंदगी जीने की बातें सुनकर शिन हैरान रह गए। उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर बहुत हैरानी हुई मुझे। लेकिन सबसे हैरत अंगेज तो उसका वो तरीका था जिसमें वो खुलकर उन चीज़ों के बारे में बताता था जो उसने खाई थी, जैसे पोर्क। जिस तरह वो इसे बताता था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मेरा मन ललचाने लगा। लोग इसे पागलपन या बेवकूफ़ी कह सकते हैं, पर मेरे लिए तो ये बस फूड ही था। शुरू में तो बस इतनी सी बात ने ही मेरे अंदर जुनून जगा दिया था भागने का। फिर 2005 में 2 जनवरी को हमें फैंस के ही पास काम करने को कहा गया था। शायद मैं ही पहला शख्स था जिसने कहा था कि क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। शिन की माने तो वो जब भागने लगे तो फैंस पर पहले पार्क पहुंचा था, लेकिन उसने गलती से इलेक्ट्रिक वायर छू लिया। सिर्फ शिन ही वहां से जिंदा निकल पाए थे। 그리고 이제 뭐 사실 내가 나도 내가 어디를 가고 있고 또 मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूं या कहां जाऊं। मुझे बस ये पता था कि मुझे यहां से बस भागना है। ऑफ कोर्स शिन बॉर्डर क्रॉस करके चाइना पहुंच गए और वहां उन्होंने छोटे-मोटे काम करके गुजारा किया। वो शंघाई जा पहुंचे और वहां से साउथ कोरिया में सियोल जाने की मंजूरी ले ली। शिन अपनी बॉडी को तो आजाद कर चुके थे, लेकिन उन्हें लगता था जैसे उनका माइंड अब भी गुलाम है। कैसा फील हुआ फ्री होने के बाद? बुरे सपने या इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से खाने में परेशानी होती थी। मुझे पता चला कि मुझे है सीवियर पीटीएसडी। और उस पॉइंट से मेरे दिमाग में लाइफ को लेकर काफी सवाल आने लगे। साउथ कोरिया में कितने साल रहे? करीब 10 साल। 10 साल एक्लाइमेट होने के लिए लंबा वक्त मिला। उसके बाद आप मिल गई? जब पहली बार मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छी है। She was pretty. And कुछ ही दिनों में मैंने इसे पूछ लिया कि इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये बहुत ब्रेव है। बहुत ब्रेव। Very brave, I must say.
लियान से शादी करके फैमिली स्टार्ट करने का फैसला शिन के लिए उन जंजीरों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था जिन्होंने इन्हें इतने साल बांधे रखा था। मेरे लिए चारों तरफ की दुनिया को देखकर ये समझ पाना काफी मुश्किल था कि पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। लेकिन अब जब हमारा बच्चा आने वाला है तो मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी कितना उसका ख्याल रखती है, तैयारियां कर रही है, इससे दुनिया अलग ही दिखती है। ओके शिन, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप आए और हमसे बात। उम्मीद है आपसे फिर से मिलूंगा। जरूर मिलना होगा। एंड माय डार्लिंग, थैंक यू, सो नाइस टू मीट यू। इस नन्हे का ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय। शिन अचानक फ्री महसूस नहीं करने लगे थे। उन्हें सीखना पड़ा कि फ्रीडम क्या होती है। लाइफ की खुशियां और चैलेंजेस और उन कॉम्प्लेक्स चॉइसेस को एक्सपीरियंस करते हुए जो आपको करनी पड़ती हैं, उन्होंने वो चॉइसेस की, उन्होंने शादी की, अब उनके बच्चा होने वाला है, और यही सब तो है जिसका मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम एक स्टेट ऑफ माइंड है और ये जनाब इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने आजाद रहने का तरीका ढूंढा, भले ही जिस्मानी तौर पर वो जंजीरों में कैद रहे 43 साल तक। मैं जा रहा हूं लुइजियाना मिलने एल्बर्ट वुडफॉक से। उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी यहां एंगोला स्टेट पेनिटेंशरी में कैद में बिताई है। 18 साल की उम्र में उन्हें शुरू में आर्म्ड रॉबरी के आरोप में सजा दी गई थी, मगर आखिरकार वो इतने लंबे वक्त तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे जितना अमेरिकन हिस्ट्री में कोई और नहीं रहा। आइए आइए मिस्टर वुडफॉक्स। मिस्टर फ्रीमैन, वेलकम टू माय होम। नाइस टू मीट यू। मुझे लगा था कि 40 साल सॉलिटरी में बिताने वाला इंसान टूटे दिल और बुझे दिमाग के साथ सामने आएगा, लेकिन एल्बर्ट सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त दिखाई दिए। मैं यही पता लगाने आया हूं कि ऐसा कैसे। सो, आप जेल में कैसे पहुंचे थे? मैं अपनी ही कम्युनिटी में प्रेडेटर था, मतलब एक क्रिमिनल, एक सड़क छाप आदमी, बददिमाग, एक आवारा किस्म का। लेकिन जेल गया क्योंकि मेरे ऊपर एक आम रॉबरी का केस था। सजा होने पर आप सीधे एंगोला गए थे या कहीं और? नहीं, एक्चुअली मैं उसी दिन भाग निकला था जब मुझे 50 साल की सजा हो गई थी। ओके, ऑलराइट। वहां से आप भाग निकले और? मैं न्यूयॉर्क चला गया था। न्यूयॉर्क चले गए। मेरी लाइफ का वो अहम पल था क्योंकि हार्लेम में रहते हुए मेरा ब्लैक पैंथर पार्टी से बहुत ही नजदीक का रिश्ता बन गया था। मैंने अफ्रीकन अमेरिकन्स में एक अजीब सा डर महसूस किया था, उनमें भी जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद लाइफ में कुछ गोल्स अचीव कर लिए थे। अपनी लाइफ में मैंने पहली बार कुछ ऐसे अफ्रीकन्स अमेरिकन्स लोग देखे थे जिनमें मुझे वो डर नहीं दिखाई दिया। मुझे उस डर से डर नहीं लगा था, वो रेवोल्यूशन और कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने की बातें किया करते थे लोगों को बचाने के लिए। कुछ सिस्टर्स भी थी, हालांकि उनमें बाहरी ब्यूटी तो थी पर मैं उनकी अंदरूनी ब्यूटी देख रहा था जिसमें वो स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और सेंस ऑफ पर्पस थी। मैं बहुत हैरान रह गया जब मुझे लगा कि हे, मेरी भी यहाँ पर कुछ कीमत है, कुछ मोल है। फिर मैंने ब्लैक पैंथर पार्टी ज्वाइन कर ली। ओके। लेकिन मैं फिर से अरेस्ट हो गया और मुझे वापस एक्स्ट्राडाइट करके जेल भेज दिया गया लुइजियाना, जिसके बाद मुझे अंगोला भेज दिया गया इन 71। लेकिन उनके एंगोला पहुंचने के एक साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो एल्बर्ट की आगे की जिंदगी की राह बदल देने वाला था। एक प्रिजन गार्ड की बॉडी मिली जिसका मर्डर हुआ था। 17 अप्रैल 1972 को उन्हें एक यूनिट में ब्रेंट मिलर नाम के एक करेक्शन ऑफिसर की बॉडी मिली जिसका मर्डर हुआ था। हर यूनिट में 4 डॉर्मेटरीज थी और मैं सबसे लास्ट वाली यूनिट में था। हालांकि एल्बर्ट की यूनिट वारदात की जगह के आसपास भी नहीं थी, मगर प्रिजन अथॉरिटीज ने हत्या का आरोप उन पर मढ़ दिया। ये किसने किया था, उन्हें कभी पता चला? वो पता कर सकते थे, उनके पास दरवाजे पर खून के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे।
उनके पास उस वक्त अंगोला के हर कैदी के फिंगरप्रिंट्स थे। वो पता लगा सकते थे कि वो फिंगरप्रिंट्स किसके थे। एल्बर्ट का मानना है कि उनके ब्लैक पैंथर से जुड़े होने की वजह से उन्हें और दूसरे दो इनमेट्स को फंसाया गया था। उन्होंने मुझ पर एक मिलिटेंट होने का लेबल लगा दिया। उस वक्त मिलिटेंट का मतलब था एक पैंथर होना। उस वक्त मुझे बिल्कुल अलग रखा गया था। 18 अप्रैल 1972 से मैं एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ही रहा 19 फरवरी 2016 तक। एल्बर्ट और दूसरे दो इनमेट्स ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में दसियों साल बिताए। वो एंगोला 3 के नाम से पहचाने जाने लगे। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने उनकी सजा को क्रूअल और इनह्यूमन बताया। वेल, ये रूम उस सेल से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इससे आपको उस सेल के साइज का कुछ अंदाजा लग जाएगा जिसमें हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे थे। वो सेल अप्रोक्सीमेटली 9 फीट लंबा था और 6 फीट चौड़ा था। बस उसकी लेंथ इतनी थी? हाँ। ओह गॉड। वो एक बहुत ही छोटी जगह थी जिसमें आप आगे पीछे चल और बैठ सकते थे। उस जगह कितना वक्त बिताते थे आप? दिन के करीब 23 घंटे। 23 घंटे हर रोज? हर रोज, हफ्ते के सातों दिन। 7 days a week, 365 days a year। ये एक भयानक सपने जैसा था, एक के बाद एक हॉरर से भरा हुआ। मैं तो इसे बस यही कहूंगा, स्ट्रिप सर्च। इससे ज्यादा शर्मनाक एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। उन लोगों के सामने बस यूं ही खड़े रहना बिना कपड़ों के, और मतलब ये कि जेनिटल रेज करना, अपना मुंह खोलकर, मतलब यही तो वो करते थे हमारे एंसेस्टर्स के साथ स्लेव ब्लॉक में। तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हम ये नहीं करेंगे। मतलब वो स्ट्रिप करने को कहते और हम इंकार करते, तो वो हमारे मार मार कर कपड़े वगैरह फाड़ देते और वो हमें डेस्क पर पटक देते। पता नहीं मैंने उनसे कितनी बार मार खाई होगी। एल्बर्ट का फिजिकल वर्ल्ड बहुत तंग और मुसीबतों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी खुद को अपने पिंजरे की हदों में बंधे नहीं रहने दिया। ये तो किसी का भी दिमाग हिला कर रखते एल्बर्ट। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं सेल में हूँ। मेरा माइंड और इमोशंस वगैरह उस सेल की चार दीवारी के पार थे। मुझे लगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मरने से बेहतर होगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और अपने आसपास वालों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मैं जिस डॉर्मेट्री में था उसमें रहने वाले दूसरे प्रिजनर्स के कॉन्शियसनेस लेवल को ऊंचा उठाने की कोशिश करने लगा, उन्हें एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज करने लगा अगेंस्ट प्रिजन करप्शन, प्रिजन ब्रूटैलिटी। एल्बर्ट ने अपना माइंड फ्री कर लिया था, हालांकि उनकी बॉडी कैद में ही थी। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि मिस्टर वुडफॉक्स को आज नहीं छोड़ा जाएगा। एल्बर्ट का कन्विक्शन 2 बार खारिज हुआ और स्टेट ने दोनों बार नए आरोप मढ़ दिए। आखिरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एल्बर्ट को रिहा करने की पेशकश की। शर्त थी कि वो कम संगीन आरोपों के लिए नो कॉन्टेस्ट की अपील करें। सॉलिटरी में 43 साल 10 महीने बिताने के बाद अपने 69वें जन्मदिन पर एल्बर्ट वुडफॉक्स एंगोला 3 के रिहा होने वाले आखिरी शख्स थे। आखिरकार एल्बर्ट के माइंड ने काम किया और उनकी बॉडी ने फ्रीडम हासिल कर ली। फाइनली वो अपनी फैमिली से मिले और ग्रेट ग्रैंडफादर होने की खुशी में झूम उठे। आज वो प्रिजनर्स राइट्स के एडवोकेट भी हैं। आप उन लोगों को देखकर हैरान थे जो ब्लैक तो थे पर डरते नहीं थे, और मुझे लगता है कैद में रहते हुए कुछ हद तक आपकी फ्रीडम फ्रीडम फ्रॉम फियर थी, क्योंकि अगर आप में डर होता तो आपने ये सब नहीं किया होता। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कर पाता। हर बार जब भी मैं कोई स्टैंड लेता तो जानता था कि इसके नतीजे भुगतने होंगे, फिर भी उस डर को जीतते हुए ये कहने की ताकत पैदा की कि आई एम स्टिल, मुझे ये करना ही है, मैं ये करके रहूंगा। इससे दिखता है CoURAGE। थैंक यू। एल्बर्ट वुडफॉक्स के पास अपनी फ्रीडम के बारे में सोचने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 40 साल थे। जेल में
उन्होंने उनको फिजिकली बांधने वाली बेड़ियों को हटाना सीखकर इनर फ्रीडम पाई थी। नेल्सन मंडेला ने कहा है, फ्री होना सिर्फ अपनी बेड़ियों को हटाना नहीं होता, बल्कि ये होता है दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हुए उसे और मजबूती देते हुए जीना। इसे पाने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हम में से ज्यादातर को आज ऐसी जिंदगी अनजानी ही लगती है जिसमें फ्रीडम को लेकर कोई सोच ना हो। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ज्यादातर फ्रीडम बस कुछ गिने चुने लोगों की ही जागीर रही है, जिनमें शाही ऊंचे ओहदे वाले और पैसे वाले ही थे। लेकिन 1776 में नॉर्थ अमेरिका की 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ने हिम्मत दिखाते हुए फ्रीडम को एक बुनियादी ह्यूमन राइट बताया। अब मैं जा रहा हूं फिलाडेल्फिया की अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी में इसके लाइब्रेरियन पैट्रिक स्पीरो से मिलने, जो उस जमाने के डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करते हैं जब कंट्री की बुनियाद पड़ी थी। यहां जो आप देख रहे हैं ये शुरुआती प्रिंटिंग्स में से एक है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। पहला सेक्शन है ये प्रीएम्बल, और इसमें बात की गई है लाइफ, लिबर्टी और पर्स्यूट ऑफ हैप्पीनेस की। और इसके पीछे का आइडिया है कि इंसान को फ्री होना चाहिए इन सारी चीजों को करने के लिए, और गवर्नमेंट को बनाया गया इस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन किंग ने क्या किया, उसने तोड़ दिया ये कॉन्ट्रैक्ट, इस ट्रस्ट को। इसीलिए लोग आजादी चाहते थे किंग से, ताकि उन्हें पूरी आजादी हो अपनी मर्जी से जीने की। तो क्या आप कह सकते हैं कि तब पहली बार लोगों के एक ग्रुप ने डिसाइड किया था कि वो आजाद होना चाहते हैं ताकि वो जो चाहते हैं वो कर सके? Well, I think ये पहली बार था कि इसे ऑफिशियल तरीके से लिखा गया था। लेकिन ये अकेला वर्जन नहीं है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो आज मौजूद है। और ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है थॉमस जेफरसन का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ड्राफ्ट, और आप देख सकते हैं साइड्स में नोट लिखे हैं। yeah. और जब कांग्रेस के हाथ में ये पड़ा तो इन्होंने वर्ड्स के मायने बदलने शुरू कर दिए। और आई थिंक जो सबसे ज्यादा नोटेबल है वो उस फेमस फ्रेज में है, और लोगों को कभी ना बदले जाने वाले खास हक मिले हुए थे। जेफरसन ने ओरिजिनली लिखा था कि पैदाइशी और ना बदले जाने वाले हक, पैदाइशी हक। इसका इस्तेमाल जेफरसन ने कई बार किया कि लोगों को यह हक पैदा होते ही मिलता है। पैदाइशी हक है। ओके, तो अगर यह हक विरासत में नहीं मिले तो जरूरी नहीं कि आपको पैदा होते ही मिल गए, मगर कुछ लोगों को पैदा होते ही मिले। और ये लागू था सिर्फ व्हाइट सोसाइटी पर, व्हाइट मेल सोसाइटी। यस। मुझे कभी लगा ही नहीं कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में राइट्स टू फ्रीडम जानबूझकर स्लेव्स और औरतों को बाहर रखने के लिए बनाए गए थे। यहां अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी में हिफाजत से रखा थॉमस जेफरसन का ओरिजिनल ड्राफ्ट राइट्स को इनहेरेंट या पैदाइशी बताता है, मतलब कि ये पैदा होने के साथ हर एक को हासिल होने चाहिए। लेकिन फाइनल साइंड वर्जन सिर्फ कुछ बदले ना जा सकने वाले राइट्स ही दिखाता है, या कहें कि व्हाइट जमींदार लोगों के पास पहले से मौजूद राइट्स जो छीने नहीं जा सकते थे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। क्या इसका यही मतलब नहीं, नहीं है? उन्होंने नहीं लिखा था इसे किसी स्लेव या फिर किसी औरत के बारे में। इस डॉक्यूमेंट से साफ पता चलता है कि उस जमाने में स्लेवरी मौजूद थी इस पीरियड में, लेकिन इस्तेमाल इसका कभी नहीं हुआ है। इसके पीछे उनका एक मकसद था, क्योंकि वो जानते थे कि ये कभी भी मेल नहीं खाएगा इनके आइडिया ऑफ लिबर्टी से। इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन था, एक पैराडॉक्स था। क्या ऐसा कह सकते हैं कि जेफरसन शायद हमारे ऐसे प्रेसिडेंट्स में से एक थे जो समझ से परे थे? Yes. Well, you know, एक बात यह है कि जेफरसन जो थे इम्परफेक्ट थे। जेफरसन के पास गुलाम थे, और जेफरसन की कमियों ने ही पैदा किया था अमेरिकन पैराडॉक्स। ओके, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आपका मतलब है डॉक्यूमेंट नहीं है फ्रीडम की गारंटी का? Yes. और आई थिंक ये फेयर है। और एक बार जब इसे पत्थर में राइटिंग में जड़ दिया गया तो इसने ताकत दी लोगों को, इंस्पायर किया उन्हें, साथ ही उनमें ये समझ पैदा की कि क्या मायने होते हैं इन वर्ड्स के। क्या है माने? देखिए, काफी लड़ाइयां हुई, बहुत सी कोशिशें हुई, ब्रेवरी,
लोग डेक्लोरेशन में किए वादे को अमल में लाने के लिए जिंदगियां दांव पर लगाने लग गए थे। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका में हर एक को फ्री करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका ओरिजिनल पर्पस पावरफुल अमेरिकन लैंड ओनर्स को इंग्लैंड के किंग के हर एहसान से आजाद करना था, मगर उन वाइट मैन ने उस डॉक्यूमेंट को साइन करते ही ना चाहते हुए भी बाकी हम सब के साथ आने की आजादी के रास्ते को खोल दिया था। फ्रीडम लड़े बिना नहीं मिला करती। जिस चीज के लिए अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने दो सदी पहले लड़ाई लड़ी थी, उसी के लिए दूसरे रेवोल्यूशनरीज आज तक जूझते आ रहे हैं। मैं आया हूं ग्वाटेमाला मिलने फ्रीडम फाइटर और नोबेल पीस प्राइज विनर रिगोबेर्टा मिन्शू से। एक ग्वाटेमालन इंडियन राइट्स एक्टिविस्ट जो 1981 में सिक्योरिटी फोर्सेस के उनकी फैमिली को मार डालने के बाद अपनी कंट्री से भाग निकली थी। इन्होंने अपनी जिंदगी अपनी कंट्री के इंडिजिनस लोगों का फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए डेडिकेट कर दी है। हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो हेलो, आप कैसे हैं फ्रीमैन? रिगोबेर्टा मायन डिसेंट के उन 20 से ज्यादा इंडिजिनस ग्रुप्स में से एक कीचे से है जो ग्वाटेमाला की करीब आधी आबादी है। सदियों से माया को ना वोटिंग राइट्स दिए गए हैं ना लैंड ओनरशिप, और इन्हें प्लांटेशंस में मजदूरी करने को मजबूर किया जाता है। 36 साल चली ग्वाटेमालन सिविल वॉर के दौरान इन पर जबरदस्त जुल्म किए गए थे, जब दसियों हजार माया को किडनैप किया गया और टॉर्चर करके मार डाला गया था। रिगोबेर्टा ने एक ओरल टेस्टिमनी के जरिए अपने लोगों के दर्द को आवाज दी, जिस पर आई उनकी किताब आई रिगोबेर्टा मिन्शू। आपकी बुक का तो अच्छा खासा असर दिखता है, क्या लगता है क्या है ये? मैं पहली ग्वाटेमालन थी जो ग्वाटेमाला में जो कुछ हो रहा था उस पर बोल पाई। आई थिंक ग्वाटेमाला में बहुत ज्यादा बेरहमी हो रही थी। यहाँ टॉर्चर किया जाता था, लोग जबरन उठा लिए जाते थे और मायंस के साथ बेरहमी और नफरत की जाती थी। रिगोबेर्टा के फादर ने रूरल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करके इंडिजिनस राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया, लेकिन इससे रिजीम की नजर उन पर जा पड़ी जो गुरिल्लास को जड़ से उखाड़ देने पर तुली थी। 1979 में वॉर मेरे घर तक आ पहुंची। मेरे ब्रदर को किडनैप कर लिया गया, वो 16 साल का था। और फिर उसके बाद उसे टॉर्चर करके गोली मार दी गई। January 1, 1980 को रिगोबेर्टा के फादर ग्वाटेमाला सिटी में स्पेनिश एम्बेसी पर कब्जा करने वाले एक्टिविस्ट के एक ग्रुप में शामिल हो गए। वो कंट्रीसाइड में हो रहे मैस्कर्स और किडनैपिंग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अथॉरिटीज ने छापा मारने का हुक्म दिया, लेकिन तभी एम्बेसी में आग लग गई और पुलिस ने निकलने के रास्ते बंद कर दिए। वो एम्बेसी के अंदर थे जो चल रही थी? जी। Después, tres meses después de la muerte de mi padre, fue secuestrada mi madre. मेरे फादर की डेथ के 3 महीने बाद मेरी मदर को किडनैप कर लिया गया। Ella vivió lo más cruel de la tortura. और उन पर भयंकर जुर्म किए गए। Después, otro de mis hermanos había sido fusilado. फिर मेरे एक और ब्रदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके फादर, आपकी मदर, जी, दो ब्रदर्स, जी, मार दिए गए। जी, वो आप तक कभी नहीं पहुंच पाए। Las hermanas de la Sagrada Familia. Sacred Family के सिस्टर्स मुझे ग्वाटेमाला सिटी ले आईं। Colocaron con religiosos en México.
उन्होंने किसी तरह मेक्सिको के रिलीजियस ऑर्डर्स के बीच मुझे छुपाए रखा। कितना टाइम वहाँ रही आप? 14 साल। 14 साल मेक्सिको? जी बिल्कुल, 14 इयर्स। यो इस ला प्रोमेसा दिल। तब मैंने कसम खाई कि अपनी बाकी की जिंदगी जुल्म से निजात पाने की लड़ाई में लगा दूंगी। मैं कन्वर्ट हूं उन वोसेरो। और मैंने ग्वाटेमाला के हक में आवाज उठानी शुरू कर दी। रिगोबेर्टा दुनिया भर में घूम घूम कर माया की आजादी पाने की तड़प की कहानी सुनाने लगी। उन्होंने इंग्लैंड में भाषण दिया। 1992 में उन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता। उनकी जी तोड़ मेहनत ने ग्वाटेमाला की गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया और शांति की राह दिखाने में मदद की। ग्वाटेमाला में अमेरिका की सिविल राइट्स मूवमेंट की ही तरह कुछ लोगों ने फ्रीडम की लड़ाई के लिए स्वॉर्ड चुनी, जबकि दूसरों ने पेन को चुना। मेरा मानना है कि जिन्होंने शांति की राह चुनी, उन्होंने ही असल बदलाव की बुनियाद डाली। अगर फ्रीडम कभी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट बनी, तो इसे हर खतरे के बावजूद इसी राह पर चलने वाले लोगों की जरूरत होगी। मैं जा रहा हूं न्यूयॉर्क मिलने उस लेडी से जो बिना डरे आजादी की तरफ कदम बढ़ा रही है। नादिया टोलोकोनिकोवा, रशियन फोकस्ड रॉक बैंड पुसी रायट की एक फाउंडिंग मेंबर है। 2012 में पुसी रायट ने मॉस्को के एक कैथेड्रल के अंदर फ्लैश कॉन्सर्ट स्टेज किया था। उनका मकसद उन हालात की तरफ ध्यान खींचना था जिन्हें वो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को कुचला जाना मानते थे और जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशियन चर्च के साथ मिलकर कर रहे थे। नादिया के म्यूजिकल प्रोटेस्ट की कीमत उन्हें 22 महीने की जेल से चुकानी पड़ी। आज वो आजाद है और न्यूयॉर्क में रह रही है, लेकिन वो डर कर खामोश बैठने को तैयार नहीं है। ये नाम पुसी रायट बहुत आउटगोइंग, डेयरिंग, लोगों का ध्यान खींचने वाला है। आपके साथ कितने लोगों ने इसकी शुरुआत की थी? मैं और मेरी फ्रेंड कैट। लेकिन हमारी ओपन मेंबरशिप थी क्योंकि हम एक मूवमेंट शुरू करना चाहते थे, तो हर कोई इससे जुड़ सकता था। आपके ग्रुप से आपको अरेस्ट करने की वजह थी कि आपने चर्च में एक बहुत ही भद्दी परफॉर्मेंस दी थी। ऐसा क्यों किया? क्या इसलिए कि आप जानती थीं आपको अरेस्ट किया जाएगा और काफी अटेंशन मिलेगी? मैं सच में बहुत गुस्से में थी क्योंकि एक सुबह मैं उठी तो हमें मेरी कंट्री में हर एक से कहा गया कि अगले प्रेसिडेंट पुतिन होंगे, तो इलेक्शन से 5 महीने पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था। मैं हैरान रह गई, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप जेल गई, क्या महसूस हुआ वहाँ? इसने मुझे और जिद्दी बना दिया। वैसे तो मैं पहले से ही जिद्दी थी, शायद थोड़ा और फोकस्ड। अगर आप हर चीज में इंस्पिरेशन तलाश सकते हैं तो जेल में भी इंस्पिरेशन ढूंढ ही सकते हैं, लेकिन इससे ये तो नहीं होना चाहिए कि हमें दवा ना दी जाए, कंडीशंस बदतर हों। मेरे कैंप में मुझसे बहुत सी औरतें मिलने आई और उन्होंने मुझे बताया लाइक लुक, आप ही हो जो एक्चुअली हमारी हेल्प कर सकते हो, आपके साथ मीडिया है, लॉयर्स हैं और आवाज़ उठा सकती हैं, तो सबको बताइए कि इस जेल में क्या चल रहा है। नादिया को अब निशाना बनाने के लिए फ्रीडम को कुचलने वाले और लोग मिल गए थे, रशियन प्रिजन अथॉरिटीज। उन्होंने कई भूख हड़ताने की और प्रोटेस्ट के लेटर्स लिखे। तो मैं तमाम प्रिजन ऑफिशियल्स को लिखने लगी कि मुझे उनसे क्या क्या चीजें चाहिए थी। मैं चाहती थी कि वो फूड इम्प्रूव करें, हमारी कंडीशंस इम्प्रूव करें। वैसे इतनी ज्यादा आवाज उठाना, मेरे हिसाब से तो वो आपका मुंह पूरी तरह बंद करने की सोचते होंगे। नेक में नीडल डालो और जान ले लो, इस चीज का कभी डर नहीं लगा आपको? ये हो सकता था, हाँ बिल्कुल हो सकता था। रशियन प्रिजन में कैद रहते हुए भी नादिया एक फ्रीडम फाइटर रही, कैदियों के बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती रही। सो मैंने एक ओपन लेटर लिखा और किसी तरह वो ओपन लेटर उनके हाथ से होता हुआ बाहर के फ्री वर्ल्ड में चारों तरफ पहुंच गया। ये रशिया के सबसे बड़े मीडिया तक पहुंचा, गार्डियंस में और टाइम्स वगैरह में, सब जगह छपा। इससे मुझे काफी कुछ हासिल हुआ। कई लोग जिनका उसमें नाम था
मेरे प्रिजन ऑफिशियल्स, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। आप क्या करना चाहती हैं अल्टीमेटली? आई थिंक मैं दुनिया भर में एक कम्युनिटी खड़ी करना चाहती हूँ। एक तरह की वेव क्रिएट की जा सकती है, इंस्पिरेशन की या एनर्जी की, जिससे दूसरे लोग इंस्पायर हों। अगर आप आसपास के 5 लोगों को भी इंस्पायर कर सकें तो यह काफ़ी है, क्योंकि अगर वो 5 लोग और 5 को इंस्पायर करें तो ये बढ़ता चला जाएगा। आई थिंक फेम एक प्रोसेस है, ये कोई आइडिया नहीं है, बस एक प्रोसेस है, मतलब खुद को और दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करने की। Freedom from wage slavery, then join in the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free, then come do your share like a man. नादिया जहां लोगों को बिना फ्रीडम के देखती हैं, वहां उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं। रशिया में वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ी, प्रिजन में वो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ी। There is power in the band of working men when they stand. अमेरिका में वो अर्ली 20th सेंचुरी की एक राइट्स ट्यून गुनगुना रही हैं, जो झलकाती है उनकी नई लड़ाइयों में से एक को, जो है लेबर यूनियन से जुड़ने की फ्रीडम। फ्रीडम भले ही एक इटर्नल प्रिंसिपल है, लेकिन अगर नादिया जैसे लोग फ्रीडम की इसमें नई जान डालकर इसे मजबूत करने की लड़ाई ना लड़ें, तो ये धीरे धीरे बेअसर हो जाती है। ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स जुल्म करने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ते आए हैं, किंग्स, गवर्नमेंट या प्रिजन गार्ड्स। लेकिन फ्रीडम का एक और रूप भी है, फ्रीडम वो होने और वैसा दिखने की जैसे हम असल में हैं। मैं मिलने जा रहा हूं विक्टोरिया खान से, वो लेडी जो अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर फ्रीडम के लिए लड़ी है। वो अफगानिस्तान में अर्ली 90s की लड़ाई के शोरगुल के बीच पली बढ़ी है। तालिबानी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे, लेकिन वहीं के रेबल ग्रुप्स उनसे टक्कर ले रहे थे, जिनकी अगुवाई कर रहे थे अहमद शाह मसूद। आप मुझे एक स्टोरी सुनाने वाली हैं, शुरू से सुनाइए क्या हुआ था। मैं अफगानिस्तान में पैदा हुई थी और मेरे पेरेंट्स काम करते थे अहमद शाह मसूद के लिए। मेरे मॉम और अब्बू मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी एक छोटी सिस्टर भी है। आप करीब 6 या 7 साल की थीं जब सिविल वॉर शुरू हुई थी। तो एक रात बहुत शोर सुनाई दिया, चीखने की, गोलियों की आवाज़ें आ रही थीं। तब हर घर में तहखाने होते थे, तो मेरी अम्मी और अब्बू ने हमें तहखाने में डाल दिया। और मुझे याद है अम्मी ने कहा था कि जब तक सब शांत ना हो जाए बाहर मत आना। फिर उन्होंने मुझे किस किया और कहा अपनी बहन का ख्याल रखना, एंड दैट्स इट। ये बताइए, जब आप ऊपर आई तो क्या देखा? सड़क पर दिख रहा था सिर्फ डेड बॉडीज और ब्लड, मरने वालों की शक्ल तक पहचानना मुश्किल था। उन्होंने ना सिर्फ लोगों को गोलियां मारी, बल्कि उनके सिर काट दिए थे, बॉडी पार्ट्स काट दिए थे। आपके पेरेंट्स मिले आपको? नो। पेरेंट्स की डेथ के बाद वहां के मुल्ला उन बच्चों को ले लिया करते थे, और वो मुल्ला और इमाम बच्चों को ऐसे चुनते थे, ये मेरा है, ये मेरी है। उसके बाद क्या हुआ? मैंने उसे करीब शायद 4-5 महीने तक झेला, और फिर एक दिन मैंने इमाम को अपनी सिस्टर के साथ देखा जबरदस्ती करते हुए, और तब वो 5.5 साल की थी। तो जब वो नमाज के लिए बाहर निकला तो मैं भाग कर गई, अपनी सिस्टर को अपनी पीठ पर लादा, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, ब्लीडिंग और
मैं कई किलोमीटर तक उसे पीठ पर लाद कर चलती रही जब तक मुझे एक औरत नहीं दिखाई दी जो अपने घर के बाहर थी। वो अपने घर में ले गई, हमें कुछ ड्राई ब्रेड और पानी दिया और फिर कहा कि तुम्हें एक सेफ जगह पर लेकर जाऊंगी। वो था बच्चों का वहाबी कैंप। वो बताते थे कि किस तरह से सुसाइड बॉम्बर बना जाता है, लेकिन वो हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते थे कि तुम्हें सुसाइड बॉम्बर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम बनना भी चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि तुम अपने अम्मी अब्बू से मिल पाओगे, और हम सच में अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते थे। जैसे ही विक्टोरिया को लगा कि उसे और कड़ी जिहादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जाने वाला है, तभी रेबल लीडर अहमद शाह मसूद ने वहाबी कैंप पर हमला बोल दिया। अहमद शाह मसूद के साथ शायद 40 लोग वेपन्स के साथ घोड़ों पर वहां आए। मुझे लगा ओह ये तो हमें बचाने आए हैं। अहमद शाह मसूद ने वहां मौजूद हर शख्स को मार दिया जो बच्चों पर जुल्म कर रहे थे, और उन्हें सभी को बचा लिया। करीब 500-600 बच्चे थे। अहमद शाह मसूद वो सिर्फ हमारी कंट्री के लीडर नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। सेवियर, हाँ मैं यही कहना चाह रही थी। विक्टोरिया और उनकी सिस्टर के आजाद होने के बाद एक औरत ने उन्हें हिफाजत से तजिकिस्तान पहुंचाया। ये बताइए आप फिर उस लेडी से मिली जो आपको तजिकिस्तान ले गई थी? हाँ, हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और मैं रोए जा रही थी कि मैं अलग नहीं होना चाहती अपनी सिस्टर से। मैं बुर्का पहनना चाहती थी ताकि कोई मुझे लड़के की तरह ना देखे। वेट, आप लड़की नहीं थी। मैं एक लड़के की बॉडी में थी, मतलब एक बहुत ही दुबले पतले लड़के की तरह जिसके अंदर एक खूबसूरत लड़की थी। आज कितने ही लोग वैसी जिंदगी जीने की आजादी के लिए लड़ रहे हैं जैसी उनका माइंड और स्पिरिट उन्हें जीने को कहते हैं। लेकिन अपनी असली शख्सियत को आजाद कराने की विक्टोरिया खान की जंग के साथ जिंदा रहने की एक लंबी कश्मकश भी जुड़ी थी। एक ट्रांसजेंडर वुमेन के नाते वो अफगानिस्तान में पली बढ़ी एक लड़के के रूप में, लेकिन अपनी छोटी सिस्टर के साथ बॉर्डर क्रॉस करके तजिकिस्तान जाते हुए विक्टोरिया ये पक्का करना चाहती थी कि वो दोनों अलग न हो, इसलिए उन्होंने बुर्का पहना। उस बुर्के में से जैसे बिजली सी कौंधी अंदर से आवाज आई, यस। जब पहली बार उसे पहना तब मुझे एहसास हुआ कि फ्रीडम असल में होता क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहली बार मुझे लगा कि जैसे मेरे विंग्स निकल आए हों और मैं उड़ सकती हूँ। और अब मुझे उसका एहसास हो गया है और मैं उसे ना ही भूल सकती हूँ और ना ही छोड़ सकती हूँ। विक्टोरिया ने अगले कुछ साल तजिकिस्तान से यूरोप पहुंचने की राह बनाने में लगाए, जहां आज उनकी सिस्टर रहती हैं। आगे चलकर विक्टोरिया अमेरिका आ गई। उन्होंने अपने बचपन के जानलेवा खतरों से तो खुद को आजाद कर लिया था, लेकिन आजाद वो अब भी नहीं थी। आज आप यहां अमेरिका में हैं जहां सब फ्री हैं, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। आप फ्री फील करती हैं? मैं वो फेमिनिन फीलिंग पाना चाहती थी। जब मैंने वो बुर्का पहना तब मुझे लगा कि मैं हूँ फ्री, पर साथ ही लगा कि ये वेस्टर्न स्कर्ट या हेड बैंड पहनकर क्या मुझे वही पावरफुल फीलिंग फिर से आएगी। और रास्ते में कई मुश्किलें भी थीं। जब मैं शीशे में देखती थी तो वहां पर मुझे अपनी मूंछ दिखती थी और वो था टेरिफाइंग, क्योंकि मुझे लगता था कि बाद में अब्बू की तरह मेरे पूरे चेहरे पर दाढ़ी आ जाएगी। मैं मर्द की एक्टिंग करते करते थक चुकी थी। 2400 घंटे यही करना थका देता था। तो पहले मैंने डिसाइड किया कि कराऊं फेशियल। करीब 1.5 साल तक मैंने कई चीजें की, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, लेजर्स, और ये सब बहुत ही पेनफुल हुआ करता था। और फिर मैंने अपनी सारी सर्जरीज कराई बैक टू बैक। मैं कोलंबिया गई, 18 सर्जरीज कराई बैक टू बैक।
हमारे यहाँ एक सेइंग है फ्रीडम के बारे में, रास्ता रोकने वाले वॉल्स और बार्स ही नहीं होते, कभी माइंड भी ये काम करता है। You're right. किसी भी चीज से और किसी भी शख्स से फ्री होना, इससे अच्छा एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। आई होप आप वो सब करेंगी जो आप हमेशा से करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विक्टोरिया ने फ्रीडम के लिए एक लंबा सफर तय किया है। वो ऐसी कंट्री में पैदा हुई जो उस वक्त सिविल वॉर में उलझी थी। उन्होंने सब झेला, अनाथ होकर भी। एक सुइसाइड बॉम्बर बनने से बाल बाल बची, लेकिन आखिरी इम्तिहान सबसे कड़ा था। आजाद कराने की हिम्मत दिखाना उस शख्सियत को जो असल में वो है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो दूसरों की फ्रीडम के रास्ते बंद करते हैं वो खुद भी उसके हकदार नहीं होते। लेकिन यूनिवर्सल फ्रीडम की लड़ाई अभी जीतनी बाकी है, जबकि उधर बैटल लाइंस धीरे धीरे आगे ही बढ़ाई जा रही हैं। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। औरतें आज भी मर्दों जैसे हक दिए जाने की कोशिशों में उलझी हैं। दूसरे बस वैसा बनकर जीने की इजाजत चाहते हैं जैसा उन्हें पता है कि वो अंदर से हैं। सुकून सा मिला ऐसे लोगों से मिलकर जिन्होंने अपनी फ्रीडम्स के लिए कड़ी जंग लड़ी है। उनकी स्टोरीज हमें झकझोर कर याद दिलाती हैं कि ह्यूमन राइट्स की हिफाजत के लिए हमें होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन ये स्टोरीज मेरे अंदर एक उम्मीद भी जगाती है कि एक दिन हम सबको वो राइट्स हासिल होंगे।